लाइक मैंने इतना महंगा बैग आज तक अपनी लाइफ में नहीं लिया, दो कुछ नहीं लिया, बहुत प्रेशर है मेरे पास। हेलो जी, हेलो, नमस्ते एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है हिमानी और आई एम अ फुल टाइम ट्रैवलर फ्रॉम इंडिया। और सो गाइस, अब टाइम हो गया मेरा यहाँ से चेकआउट करने का, मैं रेडी हो गई हूँ, फटाफट से सब कुछ करते हैं पैक और निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। मेरा गोप्रो डांस क्यों कर रहा है, डांस क्यों कर रहा है, डांस क्यों कर रहा है, अरे 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 अरे, व्हाट हैपेंड। ओके गाइस, लेट्स गो टू द एयरपोर्ट। मैंने कैब बुक कर ली है और यहाँ पे भी ग्रैब ऐप चलता है, तो नॉट अ प्रॉब्लम, ग्रैब करो। पहुंच गए ज्वेल और मेरे सामने ही वो सबसे आइकॉनिक वाटर। ओह माय गॉड, हाउ ब्यूटीफुल इज दिस। ओह गॉड, आई एम लाइक, लेट मी टर्न द कैमरा गाइस। शेक शाक इज़ हियर, बट मेरे को पता है पक्का यहाँ पे भी मेरे लिए कुछ नहीं मिलेगा। सो हम बेटर हैं, हम शॉपिंग ही करते हैं भाई साहब, और कुछ नहीं करेंगे हम। ओ स्केचोस, ओके, व्हाट लॉकर, विच ब्रांड इज दिस, लेट मी सी। मेरे को कोई नया ब्रांड दिखता है ना, वही देखने में ज़्यादा मज़ा आता है, इंस्टीड ऑफ जो इंडिया में मिल जाए वो क्या देखना। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको कोई कैटेगरी क्या देखना है, आपको कौन सा शॉप किधर है, आपको सब पता चल जाएगा। इधर B1 237, ओके, लेट्स सी। तो
गाइस ये ऊपर यहाँ पे ना पार्क है, मतलब वही गार्डन्स बाय बे टाइप से पार्क है, यहाँ पे जंपिंग बच्चों के लिए वो सब है। तो यहाँ जाने का जो है वो टिकट है, एंट्री टिकट यहाँ पे वो लगेगा, बट मेरा कोई ऐसा अट्रैक्शन नहीं है ये चीज़, तो मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ। कर लिया है, शॉपिंग कुछ की नहीं मैंने अभी तक, मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। एक शूज पसंद आए थे स्केचर्स के, बट वो मैंने लिए नहीं। अभी स्टारबक्स से कॉफ़ी ली है, माय फेवरेट जावा चिप, तो वो मैं पी रही हूँ। और इसी के साथ मैं सोच रही हूँ कि ये तो देख लिया, ज्वेल देख लिया, एक बहुत सुंदर है, उसी के सामने बैठी हुई हूँ अभी मैं बाय द वे। और अब मैं सोच रही हूँ T3 की तरफ चलते हैं, यहाँ से स्काई ट्रेन चलती है, उसमें हम T3 पहुँच जाएंगे। और T3 में पहुँचने के बाद क्या है ना, हम आराम से खा पी सकते हैं, क्योंकि मेरे पास लाउंज एक्सेस है, आई कैन गो टू एनी लाउंज। तो मैं सबसे पहले तो लाउंज में जाऊँगी, कुछ खाऊँगी और अपना बैग अगर रख सकती हूँ तो वहाँ पर रख दूँगी, सो दैट कि मैं आराम से एकदम फ्रीली शॉपिंग कर पाऊँ। तो लेट्स गो एंड डू दैट, क्योंकि अभी बज रहे हैं 1:10 और हमारे पास अभी भी टाइम है, आराम से टाइम है, शॉपिंग करनी है घर वालों के लिए, कुछ 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 नहीं लिया, बहुत प्रेशर है मेरे पास। लेट्स गो। 20 मिनट्स लेटर कि जी तो हम आ गए हैं T3। थोड़ा सा ही वॉक था, ज़्यादा नहीं था, एक ब्रिज था बहुत लंबा सा, वो ब्रिज क्रॉस करके T3 एंटर कर गए हैं। दिस इज़ द T3, ये अराइवल है नीचे और ये ऊपर डिपार्चर है। तो मैं अभी यहाँ का मॉल है वहाँ जा रही हूँ, और मैं देखती हूँ कि यहाँ का लाउंज किधर है, बिकॉज मेरा चेक इन मेरे पास बोर्डिंग पास है, मेरे को वो सब तो करना ही नहीं है। आई जस्ट हैव टू गो एंड सी सम थिंग्स एंड देन यस विल हेड टूवर्ड्स, जब हमारी फ्लाइट का टाइम होगा तब। अभी मॉल देखते हैं यहाँ का, लेट्स गो। सेवरल बैड पन्स लेटर वन। ओके जी, तो मैं आ गई हूँ लाउंज में, मरहबा लाउंज, जो यहाँ का बेस्ट लाउंज है वो बंद है आज, पता नहीं फॉर सम रीज़न मे बी, बट आई एम इन दिस एम्बेसडर लाउंज। खाने के लिए वेज में उनके पास सिर्फ फ्राइड राइस और ऐसा प्लेटर जैसा आएगा, तो मैं बताऊँगी आपको कैसा है, बट मैं ज़्यादा देर यहाँ पर बैठने नहीं वाली हूँ। अगर वाइज यहाँ कुछ नहीं होता तो मैं यहीं पर बैठ के चिल करती, बट यहाँ पर बटरफ्लाई गार्डन है मेरे सामने इधर जस्ट, वो देखना है मुझे। एंड मैं देखती हूँ यहाँ पर बैग अगर छोड़ सकती हूँ अपना तो, if they will allow, तो let's see, but yeah, that's the plan। अभी कुछ खाते हैं तो भूख लगी, एनर्जी आ जाएगी तो फिर शॉपिंग करेंगे। 24 hours in Singapore going great। आपकी लड़की बहुत घूम रही, बहुत कॉफ़ी भी ख़त्म नहीं हो रही, तो ये है खाना गाइस। देख के मुझे फीलिंग नहीं आ रही है सही, थोड़ा सा खाते हैं और फिर कट लेते हैं यहाँ से। तो गाइस यहाँ पे ना शावर भी है, आप शावर ले सकते हो, इज़ अ नाइस ऑप्शन। और यस, हम तो अभी यहाँ से निकलेंगे क्योंकि मुझे शॉपिंग करनी, जैसा मैंने आपको बताया, नहीं तो मैं शावर ले सकती थी मस्त फ्लाइट से पहले, उसके बाद खा पी के मस्त निकलती मैं। गाइस यहाँ पे बटरफ्लाई गार्डन है और इतनी सारी बटरफ्लाईज है, ओह माय गॉड, हाउ मेनी बटरफ्लाईज, Thank you.
how beautiful is this? इतना अच्छा है यार, ये कितनी सारी बटरफ्लाई है। ओके गाइस, तो मैंने उसमें मुझे ठंड लग रही थी तो मैंने ये टॉप ले लिया है। नाउ आई एम ऑल वाइटी वाइटी एडिडास का। फटके ज़रूर लगे हैं पर कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि मैं कोई और स्टोर देख रही थी, वो स्टोर मिला ही नहीं, तो फिर मुझे यहीं से लेना पड़ा। यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं था। Hey everybody, so finally the day is over. 24 hours in Singapore is done. I am at the airport. अभी मैं गेट के पास बैठी हूँ, फ्लाइट में बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है, मतलब दिल्ली के लिए। एंड सीरियसली टू बी ऑनेस्ट, आई एम लाइक सिंकिंग इन एवरी थिंग, लाइक हाउ आई केम और कैसे ये दो तीन कंट्री कैसे सब एक्सप्लोर किया, कैसे एडवेंचर रहा, कैसा ये सोलो ट्रिप था, लाइक एवरी थिंग आई एम सिंकिंग इन राइट नाउ। सो या दैट्स इट। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, लाइक अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ वीडियो ऑन माई चैनल, लाइक 24 आवर्स इन सिंगापुर, लाइक ये इस तरीके का ऐसे मैंने करना चाहती थी हमेशा से, एंड आई डिड इट। और यप, आई हैव अ बैग फुल ऑफ लाइक शॉपिंग बैग्स। मैंने पहली बार अपनी लाइफ में, लाइक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, दिस टाइम आई बॉट समथिंग लाइक एक्सपेंसिव। लाइक मैंने इतना महंगा बैग आज तक अपनी लाइफ में नहीं लिया, दो इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, 6000 रुपये का इतना एक्सपेंसिव नहीं होता है, बट मेरे लिए है क्योंकि मैं नहीं लिया। मैं हमेशा से 500-1000 रुपये से ज़्यादा का मैंने बैग कभी अपनी लाइफ में लिया ही नहीं है। फर्स्ट टाइम आई बॉट दिस, एंड ऐसे मैं इसको इतना संभाल के रखने वाली हूँ ना, यू डोंट हैव एनी आइडिया। लाइक ऐसा यार होता है, मतलब आपकी मेहनत की कमाई का आपको बहुत ऐसे लगता है। मैं अभी तक ऐसे फालतू चीज़ों में, लग्जूरियस चीज़ों में कभी भी मैं खर्चा नहीं करती थी, और मेरे लिए ये लग्जरी है बस। हाँ, तो यस, इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अभी आपसे अब यार दिल्ली के बाद अभी कहाँ जाते हैं वो आपको अगले वीडियोज़ में पता चल जाएगा। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड विल सी यू विद अनदर वीडियो। टिल देन टाटा, बाय बाय, नमस्ते।